पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। हाथ उठाइए भवानी कटे करके खाली जाके पाक रूहे आ मेरे दिल दे अंदर पाक रूहे आ मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर बन जावा मैं तेरा मंदिर चश्मा बन के उतरा चश्मा बन के उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 रूहे पाक उतरा। सारे हाथ उठा के दो हाथ उठाइए उच्ची आवाज ना प्रभु जी ने आई करी यीशु का नाम लेके पुकारना शुरू करो। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह हालू जाइए मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा तेरी आराधना जीसस हालेलुया यीशु दा नाम के सारे बंधन टूट जाए हे प्रभु यीशु नाम से हरे बंधन टूट जाने दो दुखात्मा निकल जाने दो जीसस हालेलुया 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 रोजी तेरी महिमा तेरी आराधना पवित्र आत्मा की शक्ति नाल बटो यीशु का नाम है हरे बंधन टूट जाने दो हरे हाथ उड़ाइए भवानी गड़े गए यीशु ओ जीसस हील 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 यीशु का नाम है सारे बंधन दूर जाने लो हे प्रभु यीशु मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम दे आज दुख आत्मा निकल जाने दो यीशु का नाम दे बीमारी निकल जाने दो प्रभु यीशु मसीह का नाम दे सारे बंधन दूर जाने दो हालेलुया सारे उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु हील 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 लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम है हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हाथ उड़ाइए सारे। हालेलुया हालेलुया। आज मैं देख रहा हूं, आज बहुत लोगों पर यीशु छू रहे। आज पूरा दिन प्रार्थना का समा विच भी प्रभु की आवाज आ रहा सी। जो स्टेज वे लाउन का समा भी प्रभु की आत्मा की शक्ति आज मैं देख रहा। आज दी संगत उते हालेलुया हालेलुया। आज कल भी आए सी, आज भी आए सी, जिन्हां दे शरीर विच जगम ऊंड जो जगम सुकिया है वो माड़ा जा हाथ उड़ाओ। जिते कड़ा उते हाथ उड़ाना। एक काफी लोग हैं थाली में जाके यीशु दी बड़ियाई करी। देखो आज भी कल भी वचन सुनिया, आज भी सुनिया है, तुसी आ गया प्रभु का वचन सुनिया है। जगम ऊंड इज हील्ड, प्रभु की आत्मा कम कर रहे। सो जो थानू देख के मैनू एकदम प्रभु का एक वचन आ गया। मरकुस से अंजेल उदी तीन बात ही पहले इतो प्रभु का वचन गया, यीशु का वचन वचन में चल गया। इसते मगरों यीशु प्रार्थना कर विच गया। हालेलुया हालेलुया। किते गया प्रार्थना कर, जिदा अज तुसी बैठे हो। परमेश्वर ने जो आ गया प्रार्थना घर विच आ गया, वचन कहते एकदम प्रभु की निगाह एक भरा वाल आ गया। प्रभु यीशु ने आ गया तो आ गया, क्योंकि उदे हाथ सुके होया सी, वो पीछे बैठा सी। प्रभु यीशु ने उस आदमी नु देखिया, वचन में चल गया। फिर यीशु ने की किया, उन्हें अपने कोल सद्या है। सो जिन्हें खुदा दे नेड़े है उन्नी आशीष है। ता यीशु मसीह ने उन्हें उठा के अपने कोल सद के किया गया, तू हाथ अगे बढ़ाओ। वजन में चिल गया है, जिदा वह हाथ परमेश्वर वाल बदावना शुरू हो गया, उदाम उन्हें चंगाई मिल गया। वजन की कहते हैं उदे दो हाथ उसी वक्त ठीक हो गया। हालेलुया हालेलुया। खुदा का वचन सुनना है, परमेश्वर ने तुहानू चुना। आज आज खास करके मैं तुहानू थोड़े लिए अरदास करना, थोड़े परिवार विच ब्लेसिंग आउन दे लई परमेश्वर दी मसा। कल मैं तुहानू दस्या सी प्रभु दा वचन, परमेश्वर दी शक्ति हासिल करन दे लई सानू चुड़कादारा दी लोड़ है, सानू डिलीवरेंस दा लोड़ है। वचन जरिए खुदा सानू डिलीवर करना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आज तुहानू सारयानू ब्लेस करना है। थोड़ी परेशानी बीमारी दुख तकली खुदा ने दूर करना। हालेलुया हालेलुया। सारे हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। सोसी पवित्र आत्मा दे एक भजन गा के प्रभु दी बड़ियाई करेगा। जदों प्रभु दी आत्मा दी शक्ति आएगी बंधन टूट जाएगा। जिस तरह वचन में चल गया है चेलन दे करते उदी नौबादी 19 ए तो सी पढ़ते, जदों अननियास नु प्रभु ने प्रेरणा दिता यीशु ने, तू जाना है साउल दे सिर ते हाथ रख के प्रार्थना करना। हालेलुया हालेलुया। जदों अननियास साउल दे सिर ते हाथ रख के प्रार्थना कीता, वचन की कहता है साउल कमरे विच बैठ के प्रार्थना कर रहे। वो तीन दिन हो गया लगातार प्रार्थना चल रहे, नाल कुछ खांदा नहीं पींदा नहीं, कोई चीज अमल नहीं देखता, क्योंकि वो दी निगाह खत्म हो गया सी। हालेलुया हालेलुया। अननियास साउल दे सिर ते हाथ रख गया, प्रभु दी आत्मा दी शक्ति आ गई। वचन की कहते हैं उदी अक्खां विचों चिलका जग ची तले डिग्गिया, वो देखना शुरू हो गया। आज चिलका नहीं बचियो, साड़ी बीमारी तले लटकना है, साड़ी बीमारी तले डिगना, साड़ी रसोली तले डिगना, साड़ियां कमजोरियां तले डिगना, साड़ी सुस्ती साड़ियां बुरी आदतां तले डिगना, शराब नशे हर तरह दी बुरी आदतां सुस्ती तले डिगना है। प्रार्थना करो खुदा दे आगे अरदास करना, यीशु मेरे उत्ते अपनी आत्मा दी शक्ति गल दो, अते मेरी हर तरह दी रुकावट समस्या जो भी मेरी कमजोरी है गरीबी हालत ते परेशानी है यीशु तुहाड़े नाम ते तले डिगना है। हालेलुया हालेलुया। हाथ उड़ाए सारे हालेलुया हालेलुया। असि सारे मिलके पवित्र आत्मा दा भजन गा के प्रभु उड़ियाई करन, दोवे हाथ उड़ा के थोड़ा पैरां नूं हिलांदे होए थाली विच जाके यीशु दी उस्तत उड़ियाई करो।
थाली उजाइए सारे, हालेलुया। बोलो सारे, रुचि बोलो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पापा तो मैनू बचा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पापा तो मैनू बचा। यीशु दी आत्मा, 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 बंधना तो मैनू छुड़ा। हालेलुया। यीशु दी आत्मा, यीशु दी आत्मा, बंधना तो मैनू छुड़ा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाथ उड़ाइए थाली जाके पैरानी लांदे हुए धन मन नाल पूरी शक्ति नाल बुद्धि नाल प्रदुड़ियाई करना। थोड़ी उच्ची बोलो सारे थाली जाके। मेरे मन मेरे दिल बिच आ, ए दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल बिच आ, ए दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल बिच आ, ए दिल अपनी है कल बना। मेरे मन मेरे दिल बिच आ, ए दिल अपनी है कल बना। पाकरू खुदा बंदिया, पाकरू खुदा बंदिया, पाकरू खुदा बंदिया, पाकरू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ। पाकरू खुदा हरे हाथ उड़ाइए यीशु दी उड़ियाई करो। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे शांति नाल यीशु दा नाम ते बैठ जाइए। प्रभु दी आशीष, खुदा दी ब्लेसिंग, परमेश्वर दी शक्ति आशीष हासिल करन वास्ते आपां प्रार्थना करना। मैं चर्च विच अज बैठा सी, सवेरे मैं देखिए एक भरावी ने दसिया फार जी मैं सोटी नाल तुर के कल आया सी। जदों मैं कल प्रार्थना खत्म हो गया, कल दी गल है, जदों प्रार्थना खत्म हो गया मैं घर पहुँचिया। परमेश्वर ने मैनू इन्नी शक्ति दिता है, मैं सोटी उत्ते के सुट दिता है। सो अज दा वचन ध्यान नाल सुनना, मरकोस दी अंजील उहदे 10 पाव दी प्रभु दा वचन सारे ध्यान नाल सुनना है। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी उच्ची बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा वचन उहदे मरकोस दी अंजील उहदे 10 पाव दी
सैंती ये तो से प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे सो मरकुस अंजील उदे चैप्टर 10 वर्स 47 ऑनवेज हालेलुया हालेलुया हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया देखो आशीष बरकत मिलने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा खुदा ने दसिया मैं तुहानू ब्लेस करने के लिए जा रहे थानू मैं आशीष देने के लिए जा रहे थोड़े घर ब्लसिंग आना थोड़े घर परमेश्वर ने आज ब्लस करना वचन पढ़ो सिस्टर जी संत मरकुस दी अंजील चैप्टर 10 वर्स 47 ऑनवेज जदों उसने सुनिया नासरत निवासी यीशु है ता उसने उच्ची आवाज नाल कहना शुरू कीता हालेलुया हालेलुया जदों जड़ा बंदा सड़क दे उते बैठ के भीख मंगदा सी उन्हें जानकारी मिल गया है यीशु नासरी जा रहा है वचन थोड़ा ध्यान नाल सुनना सो जदों उस प्राव नूं पता लगा उस प्राव ने की कीता पहली गल उच्ची बोलना शुरू कीता किदा नाम लेके प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उच्ची बोलना शुरू किया अगे वचन कहता है लोगों ने उस प्राव नूं चुप कराने के लिए कोशिश किया पर वो चुप नहीं हो गया और उच्ची बोलना शुरू किया तां मैं तुहानू कहिंदा उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया जदों इस प्राव ने उच्ची बोलना शुरू किया वचन की कहिंदा है यीशु उस गरीब की आवाज सुन के कड़ा हो गया इदा मतलब की है थोड़ी आवाज सुन के प्रभु यीशु कड़ा होना चाहिए ब्लेसिंग मिलने के लिए बरकत मिलने के लिए थोड़ी आवाज सुन के परमेश्वर कड़ा होना बचियो साढ़े कर दे मोहरे तो यीशु नंगिया साढ़े लगे यीशु नंगिया कल पिछले हफ्ते जदों प्रार्थना चल रहा सी प्रभु ने दसिया मेरे लगे बैठन वाला ठीक हो गया मैं ठीक क्यों नहीं हो गया मैं कहता तुहाडे लगे यीशु नंगिया तुहाडे लगे यीशु नंगिया तुहाडे लगे बैठन वाला कैंसर दी मरीज ने यीशु ने छूया है तुहाडी मामूली एक बीमारी सी फिर भी यीशु ने छूया नहीं क्यों तुहाडे लगे यीशु नंगिया तुसी भी आज याद रखना थाडे साडे लगे ध्यान नाल सुनना हर संडे पाख मास की कुरबानी विच साडे ले सुरग खुल जांदा है जिन्नी चेर सुरग ना होले उन्नी चेर यीशु रोटी विच नहीं घुसता है जदों फादर जी उठा के बोलता है ये मेरा शरीर के सुरग खुल जांदा है कि यीशु रोटी विच घुस जांदा है ता याद रखना हर संडे साडे ले सुरग खुल जांदा है इदा मतलब की है थोड़े इलाका हर संडे पर यीशु आ रहे पर थोड़े कोल नहीं आ रहे हालेलुया हालेलुया वचन कहता है कि आज तुसी देखो रोटी दे रूच इस अल्थार दे यीशु आना जेकर आपा पुकारे हा यीशु थोड़ी आवाज सुन के कड़ा होना अगे की लिखिया कड़ा होके यीशु ने उस प्राव फिर पुकारना शुरू किया जदों दूसरी बारी पुकारिया यीशु उदे वल देखिया देखना जरूरी है सिर कड़ा नहीं होना देखना है कौन देखना डॉक्टर नहीं थोड़े घर वाले नहीं थोड़े बच्चा नहीं यीशु थोड़े वल देखना है हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए सारे हालेलुया हालेलुया की करना पा यीशु साडे वल देखना है देखिया अगे वचन की कहता है जड़ी गल मैं तुहानू दसना आ रहे यीशु ने हुक्म दिता जड़ा गरीब मेरा नाम लेके पुकारते हैं चक्के मेरे को ले गया सुन लिया सारे सो यीशु उस प्राव नू ब्लेस करना सी इसलिए यीशु ने आख्या जड़ा मेरा नाम लेके पुकारते सानू कितने समान हो यीशु दा नाम लेके पुकारने के लिए सानू कितने समान है साढ़े को शराब पीने के लिए समा है बीड़ी सिगरेट नशा करने के लिए समा है मोबाइल सवेर तो लेके पता नहीं की करते रहता चुना लगा रहे मैं कहता सो मोबाइल नो आगे पीछे करते रहता मोबाइल तो गलत फोटो गलत मूवी मोबाइल विच पता नहीं की करते रहे बचियो
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਗਦਾ ਨੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯੇਸ਼ੂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ। ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਿਕਾਰੀ ਅੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਫਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਯੇਸ਼ੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ? ਯੇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਕੇ ਲਈ ਛੱਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਸੁਸਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੱਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਵਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਯੇਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੜਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੜਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀ ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਸੂਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਭਰਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਤੁੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਯੇਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਯੇਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਣ ਕੇ ਲਈ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਸਾ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਸਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਮਹੀਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਪੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਥਾਂ ਬਲੈਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਈ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੱਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਛੋੜੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਿੰਥੀਸ ਉਹਦੀ 3:16 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਦੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਿੰਥੀਸ ਉਹਦੀ 3:16 ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਸਿਸਟੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਇਸ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਿਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਦੜੀ ਆਈ ਕਰੀ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਗੰਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਯੇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜ ਕੇ ਯੇਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਕਾ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ। ਦੂਜਾ ਕਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਤ ਦੀ ਪਗਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਿੰਗ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਤ ਦੀ 2 ਕਿੰਗ ਜੋ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਤ ਦੀ chapter 4:1 ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਤ ਦੀ ਪਗਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲੋਹ ਗਵਾਗੀ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ। ਦੂਜਾ ਕਿੰਗ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਤ ਦੀ ਪਗਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹੁਣ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕੀ ਸੀ।
एलीशा कोल एलीशा प्रभु दे एक बहुत बड़ा दास सी उन्हां दे नाल सेवा करन वाला एक प्राव सी समझ लो अपना बाबूजी या फादर जी सिस्टर जी कोई भी खुदा दी सेवा करन वाला जा इत्ते कलीसिया दी सेवा करन वाला सो उस प्राव ने वचन की कहंदा है लोगां दे कोलों पैसा उधार लिया सी कहंदा मैं वापस मोड़ूंगा अचानक उस प्राव दी की हो गया मौत हो गया डेथ हो गया वचन कहंदा है सो जो प्रभु दा दास थी करवाली की बन गया विधवा बन गया इसलिए विधवा एलीशा को लाके दसिया ए एलीशा प्रभु दा दास मेरा करवाला तेरे नाल परमेश्वर दी सेवा कर रहा सी पर उदी डेथ हो गया पर हुण मैं विधवा बन गया जदों वो सेवा कर रहा सी लोहां दे कोलो पैसा उधार ले लिया सी हुण जिन्हां दे कोलो उधार लिया है वो आके मेनू तंग करना शुरू हो गया अते मेरे सारे बच्चे ने छक्के ले गया देखिया नहीं एलीशा नु तरस आ गया एलीशा नु तरस आ गया एलीशा ने आके हुण मैं की कर सकता है तेरे बच्चे नु सारे ले गया वचन पढ़ना जदों समा मिलेगा मैं तुहानू कल दसिया ना मैनू नहीं पता सी मैं किन्नी चेर बाइबल पढ़ा सी क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ता है सवेर दिन शाम तक आज भी मैनू लगता मैं 6 चैप्टर पढ़ा है मैं सवेर तो शाम तक कमरे विच ही बैठता वचन पढ़ते ही रहता परमेश्वर सानू चूरे बिचो एक गल ध्यान ना सुनो जदों तुसी घर विच वचन पढ़ना है वचन उच्ची पढ़ना ये ध्यान ना सुना क्यों वचन मैनू पवित्र कर रहे मैं कईयां नूं कहिंदे परेशानी दूर होने के लिए घर दे आले दुआले अद्धा कंडा वचन उच्ची पढ़ो प्रभु दा वचन तुहानू की करेगा आजाद करेगा हालेलुया हालेलुया हुण विधवा औरत ने एलीशा नूं दस्या मैं की करना मेरे घर वाला भी मर गया नाल मेरा बच्चे नूं सारिआं नूं उहने चक्के ले गया एलीशा नूं तरस आ गया क्यों ये मेरे नाल सेवा करा सी दा घर वाला ध्यान ना सुनना सेवा करेगा थोड़ा परिवार दा ध्यान परमेश्वर रखना हर समा जिस परिवार खुदा दी सेवा करेगा उस परिवार दा परिवार उते परमेश्वर यीशु ध्यान रखना है जिदा हुण लंगर वंडदा लंगर दी सेवा कर रहे इते इलाके विच संगत नू तुसी की कीता अज कई लोहा ने अज संगत नू लेके आया बस सेवा हो गया मंजूर हो गया परमेश्वर कहिंदा है हालेलुया हालेलुया एलीशा ने आ गया जो विधवा नू बुला के दसिया तुहाडे घर विच कुछ है मैं हुण करना कुछ वो कहिंदे मेरे घर विच आटा भी नहीं भुक्के हुण बच्चे नू ले गया मैं आप भुक्के हैं वजन की कहिंदा है फिर एलीशा ने आके फिर की है तुहाडे कोल कहिंदी है छोटी जी शीशी विच तेल है की है छोटी जी शीशी विच तेल है सो इसलिए एलीशा ने आखिया तू एक कम करो सारियां दे करो पतीला ले गया जड़ा देग बनाउन वाला बड़ा बड़ा पतीला ले गया जो उदी करवाली विधवा ने पतीला ले गया एलीशा दसिया छोटी जी शीशी है जिदे विच तेल है वो पतीला विच पाना शुरू कर देखो की चमत्कार हो गया एक पतीला भर गया दूजा भर गया तीजा भर गया सारे पतीला बर्तन सारे भर गया हुण पाने के लिए जगह भी नहीं मिलिया विधवा विरत ने एलीशा नु दसिया हे प्रभु तेरी बरकत बहुत है हुण मेरे कोल कोई चीज नहीं है जिदे विच मैं तेल पाना एलीशा ने किया क्या तुहाडे घर वाला प्रभु दी सेवा कर रहा सी इसलिए मैं तुहानू ब्लेस कीता है हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया तू की करना है इसलिए ध्यान नाल सुनो एलीशा ने विधवा नु आख्या तेल वेच लो जिदे कोलो तुहाडा पति ने उधार लिया वो पैसा वापस मोड़ दो फिर जड़ा रह गया पैसा नाल तू अपने बच्चियां नु संभालो देखो किस तरह खुदा ने ब्लेस कीता है परमेश्वर ने देखो सेवा करन वालों दा जो प्राव दी करवाली विधवा नु परमेश्वर ने किस तरह ब्लेस कीता है
आज तो लेके परमेश्वर नाल जुड़े रहो, जो चर्च दे नाल जुड़े रहो, सिस्टरां दे नाल जुड़े रहो, फादरां दे नाल, कलीसिया दे नाल, मुनाद प्रावां दे नाल जुड़े रहो। पाक मासी कुर्बानी विच भाग लेना शुरू कर, हर हफ्ते पाप सिहार कर, ईमानदारी नाल जीना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया, हां तुड़ाइए सारे हालेलुया हालेलुया। जो सेवा करेगा, वचन की कहता है तू वायदा करो मैं आज तो लेके प्रभु दी सेवा करना है, जेकर वायदा करेगा आज की खुदा ने तुहानू ब्लेस करना है, हुण परमेश्वर ने तुहानू ब्लेस करना। प्रभु दा वचन की सी, जो दूजा किंग दूजा राजा उदी चार बादी 38 एतोस प्रभु दा वचन पढ़ रहे, हाथ उड़ाइए सारे हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा वचन की सी, जो अकाल पया सारे खाना पीना चीज खत्म हो गया, हुण एलीशा सोचिया हुण मैं की कर सकता है। एलीशा ने थोड़ा जा ध्यान नाल सुनो, एलीशा ने उन्होंने दसिया थोड़ा जंगल विच जाओ, जिदा खेत विच जाओ, कुछ कत्तू हैं जो भी तुहानु मिलता है जो लेके आ तुसी सब्जी बनाओ। वजन की कहता है जो कत्तू कुत्तू लेके आए सी उदे विच कोई जंगली एक जो कि सब्जी सी जड़ा जिगरली सब्जी सी, पर इन्होंने नहीं पता सी जो सब्जी सारे बनाया देव बनाया खाण लगा पता लगा खा नहीं सकता है जिगरे। एलीशा सोचिया हुण की करना, एलीशा ने आगे कुछ सोचिया नहीं, एलीशा ने हुक्म दिता थोड़ा जा आटा ले गया। जो देखो एलीशा आटा दे उत्ते प्रार्थना करके एलीशा ने की किया है, देग विच पाया है, जो देखो एकदम जिगर खत्म हो गया अते सारी भोजन गाया। हालेलुया हालेलुया, ब्लेसिंग आ गई। देखिया नहीं प्रार्थना दे जरूरत है, इसलिए मैं तुहानू दसिया ये क्लास पानी भी पीण दा समा, दुआ करके पानी पी लो। एक पुलका खाण दा समा, सलीब दा निशान करके 2 मिनट अखां नूं बंद करके यीशु नूं याद करना, क्यों वो तुहाडे पेट विच आके पजना है, वो तुहानू नुकसान नहीं करना। पैणा आटा गूंढने के लिए आटा लिया, वो आटे दे उत्ते इक सलीब दा निशान बना के बचियो यीशु दा नाम लेके आटा गूंढना शुरू कर, आत्मा कम करेगा। सब्जी कटन दा समा, यीशु मसीह दा नाम लेके तुसी सब्जी कटना शुरू करो। मैं कहंदा जिते किते भी तुरना है परमेश्वर दी यीशु दी हजूरी विच तुरना शुरू करो, यीशु दा नाम लेके तुरना शुरू करो। हालेलुया हालेलुया, ब्लेसिंग आ गई। आज तुहाडे घर विच प्रभु ने ब्लेस करना है। एक भाव ने मैनु दसिया फार जी घर विच बहुत परेशानी है, एकदम मैनु एक सोच आ गया। वचन ध्यान नाल सुनो, जो सारे भुखे बैठा सी चेले ने किया किया, चेले ने दसिया प्रभु जी इतने साढ़े कोल खाने के लिए कुछ नहीं है, इन्हां सारियां तुसी वापस मोड़ दो। हालेलुया हालेलुया, थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी बड़ियाई होवे, यीशु तेरी बड़ियाई होवे। मरकुस दी अंजील उदी 8 बादी पंगले है तो असी पढ़ते हैं कि जदों तीसरा दिन 3 दिन दा बाद सारे भुक्के बैठना शुरू हो गया, प्रभु दा वचन की है चेले दसिया इन्हां नूं भेज दो, यीशु ने दसिया इन्हां नूं भेजण दा कोई लोड़ नहीं है। हालेलुया हालेलुया, यीशु ने दसिया इन्हां नूं भेजण दा कोई लोड़ नहीं, तू इन्हां नूं खिलावना है। सो यीशु ने आख्या तुहाडे कोल किन्नियां रोटियां है, उन्होंने की आख्या हालेलुया हालेलुया, उच्ची बोलो सारे, उन्हें यीशु ने आख्या तुहाडे कोल किन्नियां रोटियां। वचन की कहिंदे मरकुस दी अंजील दी 8 बादी पहले तो उस पढ़दे आं, चेले ने दसिया साढ़े कोल 7 रोटियां, प्रभु ने दसिया मेरे हाथ विच दे दो, ब्लस किया 4000 लोग रिज के गाया। ए परिवार मैनू आख्या फादर जी साड़ी कमाई विच ब्लस ही नहीं है, एकदम मेरे विच यही वचन आ गई। मैं कहता तू एक कम करो,
अगली वारी तनखा जो मिलना है एक रुपया भी खर्चा नहीं करना, वो तुसी 100 रुपया लेके आना। 100 रुपया लेके आया मैं पाकमा से समाल थार ते रखे, प्रार्थना करने के बाद ये 100 रुपया वापस दिता। मैं दसिया हाँ वो इतने यीशु लिख के रख लो। मैं हैरान हो गया। उदे बाद कदी तंगा नहीं मुकदा है, घर विच कोई खाना पीना चीज नहीं मुकदा है, ब्लसिंग दे उत्ते ब्लसिंग आ गया बच्चो। हालेलुया हालेलुया। दूसरा मगिने उन्हें 1000 रुपया लेके आया। मैं कहते इंसान की लालच देख लो। एक बारी उधर दिमाग विच की सी फादर जी लेना, इसलिए 100 रुपया ही ठीक है। वो कदी सोचा नहीं वापस मिलना है। सो मेरे कहने का मतलब यही है, प्रभु की हजूरी विच बैठ के प्रार्थना करेगा परमेश्वर तुहानू ब्लस करना ही है। थोड़ी समस्या प्रभु यीशु मसीह ने आज दूर करना। हालेलुया हालेलुया। सारे उच्ची बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। संत लूका दी अंजील उदी पहले बादी 8 ए तो अस प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे। लूका दी अंजील उदी पहले बादी 8 तो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में जी लिखा है जकरिया पुरोहित दी वारी सी। वचन ध्यान नाल सुनना, जो मंदिर दी सेवा करने के लिए पर्ची पाया, वो पर्ची की दे उते आ गया, जकरिया पुरोहित दे उते आ गया। उन ध्यान नाल सुनना, ये साढ़े वासे जकरिया पुरोहित चर्च विच बेदी यानी अल्तार दे आ गए। परमेश्वर की हजूरी विच थूम लगाने की ड्यूटी सी, और कोई अंदर जाना मना सी। वचन की कहता है सारे लोहा ने की किया है, बाहर चर्च का बाहर कलीसिया के सारे लोग जकरिया पुरोहित वास्ते प्रार्थना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग खुल गया, एलिसबा बाहर कड़ी सी, खुदा का दूत आ गया। जो मंदिर विच अंदर जिते बेदी दे आगे जो थूम लगाने वाली जगह च प्रभु का दूध आ गया। जो हिलसवा बाहर कड़ी सी, जो बांझ आकदा सी, जो बुढ़ी हो गई बच्चा नहीं सी, पर उस अवृत नूं प्रभु ने की किया है, बच्चे नाल ब्लस किया है। हालेलुया हालेलुया। जेकर तुसी परमेश्वर दे दासां दे लई प्रार्थना करेगा, ध्यान नाल सुनना, थोड़े लिए प्रभु ने स्वर्ग खोलना भी है। पुरोहित जकरिया पुरोहित वास्ते प्रार्थना कर रहा सी, ब्लसिंग हासिल करन वास्ते खुदा दी सेवा करना पुरोहितां लई सिस्टरां दे लई जो कलीसिया दी सेवा करन वाला मुनाद प्रावां दे लई साढ़े इलाके दे लई बचियो प्रार्थना शुरू करो, तुहानू खुदा ने ब्लस करना ही है। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो, इसलिए आज तो लेके साढ़े मुनाद प्रबंध नाल जुड़े रहो, फादर जी दा नाल, इलाके दा नाल, फारिश नाल जुड़े रहो, तां जो परमेश्वर दी आत्मा तुहाडे विच काम करेगा। मैं तुहानू एक गल दसना, जिस दिन फादर जी ने मैनू आ किया फतेहगढ़ चुड़िया दे कन्वेंशन दे बारे, उस दिन तो मैं रोज पाक मास विच फतेहगढ़ चुड़िया दा स्कूल ग्राउंड इस बारिश इत्थे आउण वाला संगत नू पाक रोटी दे नाल अल्तार ते रख के मैं परमेश्वर दे अगे अरदास कर रहा सी। क्यों? परमेश्वर जिन्ने भी भैणां भरावां इत्थे आउणा, वो कोई भी काली हाथ इत्थे नहीं जाना, वो कोई भी इस जगह विचों काली हाथ नहीं जाना। जदों मैं प्रभु का वचन सुनाउना, संगत सारे बड़ी शांति नाल बैठ के प्रभु का वचन सुनना, अज तुसी देखते हो इसलिए तुसी सुनते हो, तां बचियो आत्मा कम कर रहे, इसलिए थोड़ी बहुत बड़ी जिम्मेवारी ब्लसिंग हासिल करन मासे, बरकत हासिल करन मासे, आज तो लेके फादरां दे लई सिस्टरां दे लई विशेष साथ दे लई हर एक दे लई प्रार्थना शुरू कर, मुनाद प्रावां दे लई
प्रार्थना शुरू करो क्योंकि खुदा तुहानु ब्लेस करना चाहते हैं। हल्लेलुया हल्लेलुया एक बार खड़े जाइए सारे हल्लेलुया 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 यीशु दा नाम ते खड़े जाइए हल्लेलुया हल्लेलुया असि एक वचन गाऊंगा जिन्हें भी पैणा भराओ एक गल ध्यान नाल सुनो जिन्हें भी पैणा भरावा बैठे हैं सारे खड़े होना है जेकर खड़ा भी नहीं हुंदा है यीशु दा नाम ते खड़े जाओ यीशु दा नाम ते जड़ा लगे बैठन वालिया नु उठ के कड़ा होने के लिए तुसी मदद कर प्रभु यीशु तुहानु छूना है हल्लेलुया 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 यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे आज दा इस प्रोग्राम यीशु मसीह पवन यूट्यूब चैनल दा नाम ध्यान नाल सुनो की है यूट्यूब चैनल दा नाम यीशु मसीह पवन मैं तुहानु कल समझाया आज और भी लोग आया थोड़ी जी ध्यान नाल सुनो मैं क्यों ओ नाम रखिया है मैं किराए ते रहिंदा सी उत्थों मैं साइकिल ते जा रहा सी दूसरा चर्च वल जान दा समा मैं देखिया सड़क ते यीशु हाथ बुला के खड़ा है यीशु हाथ बुला के खड़ा सी मैं रुकिया साइकिल मैं पता किते जमीन की दी है मैं खोज करना शुरू किया फिर मैं उस जमीन करी दिया क्यों उते यीशु खड़ा सी मैंने कहिंदा सी अंदर आवो यीशु मसीह पौन दा जड़ा गेट है उदी चौड़ा भी उन्नी तक है जिते तक यीशु दा दोवे हाथ सी 16 फुट यीशु दा हाथ चौड़ाई सी इसलिए उस जगह ने मैं और कोई नाम नहीं रखिया यीशु मसीह पवन मतलब की है यीशु दी चौकी हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु मसीह पवन जिते यीशु वास करता है इसलिए लोग कहते हैं फादर जी गेट दे अंदर आउंदे समा मेरा बीमारी परेशानी दूर हो गई जदों लोग नंगण दा समा अंदर आउंदे कहते हैं जदों गेट दे मोहरे नंगण दा समा मेनू कोई कींजदा अंदर नहीं देखिया नहीं सो इसलिए यूट्यूब दा नाम भी रखे यीशु मसीह पवन नाल अपना फेसबुक ते भी लाइव चल रहे वो भी यीशु मसीह पवन हल्लेलुया हल्लेलुया उच्ची बोलो सारे हल्लेलुया हल्लेलुया असि एक भजन गाने के लिए जा रहे पवित्र आत्मा तो भजन गा के प्रभु दी बड़ाई करना हाथ उठाइए थालियां बजा के परमेश्वर दी बड़ाई करना खुदा दी बरकत आ रहे हाथ उड़ाइए सारे उच्ची बोलो यीशु मसीह दा धन्नवाद जिसने बल दिता सानू यीशु मसीह दा धन्यवाद जिसने बल दिता सानू हाथ उड़ाइए सारे यीशु मसीह दा धन्यवाद जिसने बल दिता सानू यीशु मसीह दा धन्यवाद जिसने बल दिता सारे हाथ उड़ा के यीशु मसीह दा धन्यवाद जी बोलो यीशु मसीह दा धन्यवाद यीशु मसीह दा धन्यवाद यीशु मसीह दा धन्यवाद जिसने बल दिता सानू यीशु मसीह दा धन्यवाद जिसने बल दिता सानू हाथ उड़ाइए पापी सा मैं कमजोर सा मेरे प्रभु ने रहम कीता पापी सा मैं कमजोर सा मेरे प्रभु ने रहम कीता
आओ रलियो दी वडे आई गाइए, आओ रलियो दी स्तुति गाइए, आओ रलियो दी वडे आई गाइए, आओ रलियो दी स्तुति गाइए, स्तुति गाइए, स्तुति गाइए। यीशु मसीह दा धन्यवाद, यीशु मसीह दा धन्यवाद, यीशु मसीह दा धन्यवाद, जिसने बलि दित्ता सानूं। हालेलुया हालेलुया, हाथ उड़ा के हालेलुया हालेलुया, थोड़ा ऊंची बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ उड़ाइए सारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया।